किंगडम मोनेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का नया सेशन। हाय गाइस, मैं हूं निखिल और स्वागत करता हूं आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है निखिल बायोलॉजी ऑन माय टिप्स। और आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया से रिलेटेड, तो हम बैक्टीरिया इसमें कवर करके चलेंगे। आप मेक श्योर रहिए कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पूरा एंड तक देखने से आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। तो आज हम किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। और जो मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इतना समझ आया। और उसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और मैं अभी आपको आगे दोबारा बताने वाला हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे सर किंगडम मोनेरा हमने बताया, ठीक है, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। अब आप बोलेंगे हमसे, पूछ सकते हैं सर बैक्टीरिया क्या होते हैं। तो ये रीडिंग कराने से पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल बता देना चाहता हूँ बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, वही बैक्टीरिया के भी कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखिए, आपने हमसे पूछा बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो हमने इसका आंसर दिया बैक्टीरिया एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेलुलर कहने का मतलब क्या, सिंगल सेलुलर कहने का मतलब जिसकी एक सेल है, सिर्फ एक सेल ऑर्गेनिज्म होता है वो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जिनमें एक सेल हो वो बैक्टीरिया होते हैं। अब इसको थोड़ा और हम क्लासिफाई करते हैं डिटेल में ताकि हमें पता लगे बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के क्या कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जिनमें एक सेल होती है वो बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया में जो डीएनए है वो सही से डेवलप नहीं होता, मतलब क्या, जो इनका डीएनए जो होता है वो डेवलप सही से नहीं होता। इसका मतलब है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है डीएनए के ऊपर, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल कवर नहीं होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए, उसी की बात कर रहे हैं। और बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि ऐसा होता है। देखो डबल स्टैंडर्ड होगा और इसके अंदर कुछ केमिकल होगा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दो दो गोले होते हैं, एक ही हो गया एक ही हो गया, दो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होते हैं, या प्रोकैरियोटिक में हम बोल सकते हैं 70S राइबोसोम होते हैं। मीजोसोम पाई जाती है बैक्टीरिया में। मीजोसोम मान लीजिए सेलुलर रेस्पिरेशन का काम करती है, आपको डिटेल अभी हम बताएंगे। और एक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नीट में आया था ये वाली लाइन से, कि बैक्टीरिया में कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती है, एग्जाम्पल गॉल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ नहीं पाया जाता है। सिर्फ बैक्टीरिया में एक चीज़ पाई जाती है जिसका नाम है राइबोसोम्स। इसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर कुछ नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था नीट में और एम्स में, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं एनसीईआरटी की लाइन जो लिखी हुई है, ठीक है। और एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो बैक्टीरिया का टॉपिक है ये चैप्टर सेकेंड में भी है और सेल जो चैप्टर एट है उसमें भी है। तो हम आपको यहीं पे पूरा अच्छे से डिटेल में बता देंगे ताकि आपको चैप्टर एट में कोई प्रॉब्लम हो ना, ठीक है। एक बैक्टीरिया कैसा होता है, उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है, सोल का मतलब होता है एकमात्र, बैक्टीरिया अकेला एक मेंबर है जो कि मोनेरा में आता है, ठीक है। मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया ही आता है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा जगह, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, मतलब बैक्टीरिया को हम कभी अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, हमें इसके लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी कि जिसकी ऑप्टिकल जो क्या होती है, जूम पावर बहुत ज़्यादा होती है जिससे हम देख सकते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। इसलिए हम कोई भी जो रिएक्शन बैक्टीरिया के रिगार्डिंग हम माइक्रोस्कोप से ही करते हैं, ठीक है।
टेस्ट वगैरह। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, मतलब अगर आप मिट्टी में, बचपन में आप जब खेलते थे आपने मिट्टी उठाते थे हाथ में, या अभी भी आप मिट्टी उठाएंगे हाथ में, आपके हाथ में जो मुट्ठी में जो मिट्टी आएगी उसमें 100 से ज़्यादा बैक्टीरिया जो है पाए पड़े होंगे उस मिट्टी के अंदर। इसलिए बोलते थे मम्मी की हाथ धो के खाना खाओ बेटा, ठीक है। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, बैक्टीरिया जो है जी सकते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब हर जगह जी सकते हैं, कोई सा भी आवास हो, कोई सी भी जगह मिल जाए उनको, हर जगह वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर हो, वहाँ पे जी सकते हैं। डिज़र्ट में जी सकते हैं, स्नो में जी सकते हैं, और डीप ओशन मतलब समुद्र के अंदर, गहरे समुद्र के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जहाँ कोई नहीं होगा वहाँ बैक्टीरिया मिलेगा। वेयर वेरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जो डीप ओशन है और डेजर्ट है, स्नो है, बर्फ़ है, यहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मतलब जैसे बियर वगैरह स्नो में पाया जाता है, रेयर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे डीप ओशन में बहुत कम पाए जाते हैं। जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है और बहुत कम ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वहाँ बैक्टीरिया मिलते ही मिलते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। मैनी ऑफ देम लाइव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, बैक्टीरिया जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर या तो पैरासाइट की फॉर्म में होंगे, या क्या करेंगे, या हेटरोट्रॉप की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि बहुत जो ऑर्गेनिज्म है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मैक्सिमम बैक्टीरिया जो है पैरासाइट की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इतना तो हमें पता लगा बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया दिखता कैसा है। ये जो है चैप्टर 8 में भी आपको पढ़ने को पड़ेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में बता दूँ कि बैक्टीरिया दिखता कैसा है, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये मैंने एक जनरली एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया है, जो हर एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है मैक्सिमम, ये एक मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है कि बैक्टीरिया कैसा दिखता है, ठीक है। तो जो सबसे पहले बैक्टीरिया में जो सबसे बाहर की लेयर होती है, हम वहाँ से बात करते हैं, वो होती है कैप्सूल, ठीक है। किसी किसी बैक्टीरिया में, ज़्यादातर बैक्टीरिया में वो लेयर कैप्सूल होती है, और बहुत कुछ बैक्टीरिया में वो लेयर स्लाइम लेयर होती है, ठीक है। कैप्सूल क्या होती है, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है, और स्लाइम लेयर भी किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर होती है। इसका जो है काम होता है, ये थिन होती है, एकदम जैसे जेली टाइप में होती है, वैसी लेयर होती है, ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं कैप्सूल के बाद जो दूसरी लेयर आती है बैक्टीरिया के अंदर, वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल का काम होता है बैक्टीरिया को शेप में बनाए रखना, इसको क्या करना, इसको प्रोटेक्ट करना किसी भी फॉरेन पार्टिकल से, ठीक है, ताकि इसकी जो है सेल फटे ना। अब जो बात आती है तीसरी, बैक्टीरिया के अंदर जो ये लेयर होती है थर्ड, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या उसको हम बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो जो मेन चीज़ है बैक्टीरिया के अंदर, उसका काम देखिए, जो ये सबसे ऊपर हुक टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बैक्टीरिया में, ये हुक टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मीजोसोम। क्या? मीजोसोम। ये हुक ये है दीवार पे जो स्ट्रक्चर है, पेरिफेरल है दीवार पे, इसलिए हमने इसको बोला पेरिफेरल मीजोसोम। जो चीज़ दीवार पे होती है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल, ठीक है। तो ये पेरिफेरल मीजोसोम है, ठीक है, ये चैप्टर 8 में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए कि बैक्टीरिया दिखता कैसा है, क्या है, ठीक है। अब यही मीजोसोम अगर बीच में है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मीजोसोम, सेंट्रल मीजोसोम, ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर ये एक क्या होता है, नेकेड डीएनए होता है। नेकेड डीएनए का मतलब होता है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से हम देख सकते हैं, ठीक है, जो कि वेल डिफाइन नहीं होता है। बैक्टीरिया के अंदर एक नेकेड डीएनए होता है जो कि अच्छे से डिफाइन नहीं होता है, उसकी शेप बहुत बेकार होती है, ठीक है। हमने आपको बताया था बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, आपको बताया था बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड क्या होता है,
एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। इन सब के फंक्शन अभी हमने नीचे लिखे हैं तो आपको अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। जो मैंने रेड से लिख रखा है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे तो नीट में क्वेश्चन पूछा पूछा गया है, तो उसको आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पे हर जगह ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं इस शेप में, रॉड शेप में, छोटे छोटे, जिसको हम बोलते हैं फिम्बरी, फिम्बरी, ठीक है। बैक्टीरिया में एक पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, एम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। बैक्टीरिया में ये बताओ फ्लैजिला कहाँ से निकलती है। बैक्टीरिया में एक पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलते हैं बिली फेरोप्लास्ट, बिली फेरोप्लास्ट, यहाँ से फ्लैजिला निकलती है बैक्टीरिया के अंदर। वो पॉइंट जहाँ से फ्लैजिला निकलती है बैक्टीरिया के अंदर वो होता है बिली फेरोप्लास्ट, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम होते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट है ये राइबोसोम है। अब राइबोसोम अगर चेन में आ गए, बहुत सारे राइबोसोम मिलके इकट्ठा हो गए चेन के अंदर, तो वो पॉली राइबोसोम कहलाते हैं, ये पॉली राइबोसोम है, ठीक है, इतना समझ में आया। और बैक्टीरिया के अंदर PHB एक केमिकल होता है जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, PHB, ठीक है। अब हम आपको इसका फंक्शन बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कैप्सूल, कैप्सूल क्या करती है, कैप्सूल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है। मतलब ये मान लीजिए ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, यहाँ पे एक हार्ड लेयर होती है मोटी सी, एकदम परत होती है, मोटी सी परत होती है जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाती है, वो कैप्सूल कहलाती है। इतना समझ में आया कि एक मान लीजिए, यही बोला मैंने, ये सेल वॉल है बैक्टीरिया की, ये सेल वॉल है, यहाँ पे एक हार्ड थिक लेयर बनी होगी बैक्टीरिया में, टफ सी, बहुत हार्ड, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या करेगी, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से बचाएगी बैक्टीरिया को, ठीक है। बात करते हैं किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर ये हार्ड लेयर नहीं होती है, कैप्सूल नहीं होती है, वो लेयर जो होती है एकदम पतली सी स्लाइम लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्लाइम लेयर, जो एक जेली टाइप की लेयर होती है। इसका काम क्या होता है, इसका भी वही काम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉथ कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर जो बनी होती है, केमिकल होता है ग्लाइकोकैलिक से। जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर, जो आउटर वॉल होती है बैक्टीरिया की, ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर, ये बनी होती है किससे, एक केमिकल होता है ग्लाइकोकैलिक्स, इससे बनी होती है। ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और जो रेड मार्क करा हुआ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो इससे नीट और एम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल की, बात आती है बैक्टीरिया की, जो सेल वॉल होती है उसका काम क्या होता है। सेल वॉल का काम होता है बैक्टीरिया को शेप में बनाए रखना, प्रोटेक्ट करना बैक्टीरिया को ताकि वो फटे ना, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात होगी कि बैक्टीरिया के सेल वॉल का काम क्या होता है। अब बात करते हैं जो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, ये क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया था और नीट में भी ये क्वेश्चन आता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टे आपने पढ़ा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड और ग्लाइकोजन प्रोटीन, ये सब आपने पढ़ा है ना, याद होगा आपको। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बनी होती है दो कंपोनेंट से, पेप्टिडोग्लाइकोजन, ठीक है, या हम उसको बोलते हैं म्यूरिन, या हम बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूरिन, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकोन से बनती है। या फिर ये तो बात हो गई ये नीट लेवल की, ठीक है, ये बात हुई नीट लेवल की। एम्स और जिपमर में क्या पूछता है, चलो ये बताओ कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल नाग और नाम के केमिकल से बनी होती है। सर ये नाग और नाम का केमिकल क्या होता है, नाग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, और नाम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूकोस एमीन और एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, ठीक है, ये बनी होती है इसकी सेल वॉल। ये क्वेश्चन जिपमर में आया हुआ था, इतना समझ में आया। मैंने आपको कैप्सूल के बारे में बताया और सेल वॉल के बारे में बताया, अब हम बताने जा रहे हैं आपको तीसरा का, राइबोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन आया, अभी हम आपको करवाएंगे भी ताकि आपको पता चल सके। राइबोसोम का काम क्या होता है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा था। राइबोसोम भैया क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटीन बनाता है कौन, चाहे ह्यूमन में, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल, चाहे यूकैरियोटिक सेल में, प्रोटीन कौन बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन तो ये आया था नीट और एम्स में, और ये क्वेश्चन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है किसमें, PMT में, नीट में।
ये पूछा था, चलो भैया आपने राइबोसोम बता दिया, अब पूछा था कि ये बताओ मीजोसोम क्या होता है। भैया मीजोसोम जो है, जो मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा पेरिफेरल स्ट्रक्चर, ये मीजोसोम होता है। मीजोसोम भैया क्या करता है, मीजोसोम जो है भैया इंक्रीज करता है सरफेस एरिया किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। मतलब ये जो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल है, ये तो कैप्सूल हो गई, ठीक है, फिर ये हो गई आपकी सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे होता है आपका मीजोसोम, ठीक है। ये मीजोसोम क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देगा, यहाँ है इससे इतना बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सेलुलर रेस्पिरेशन कर पाएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन का अर्थ क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन का अर्थ होता है कि ये क्या कर पाएगा, फूड अब्जॉर्ब कर पाएगा, ब्रेक डाउन कर पाएगा और एनर्जी बना पाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भैया साइट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन बताओ, क्योंकि बैक्टीरिया जो है सांस नहीं लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था लिविंग वर्ल्ड में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, बैक्टीरिया एनएरोबिक होते हैं और हम एरोबिक हैं। साइट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है मीजोसोम, पहला काम था मीजोसोम का भैया सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ताकि वो बड़ा हो जाए और वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर पाए। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो है सेल के अंदर छोटी छोटी मतलब बहुत सारे लिक्विड स्पेस होता है, वाटर और सॉल्ट का बना होता है, जिसका काम होता है सपोर्ट करना ऑर्गेनेलीज को, मतलब पकड़ के रखना ऑर्गेनेलीज को और सपोर्ट करना, ठीक है। फिम्बरी, फिम्बरी मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया में ऐसे छोटे छोटे ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिएंटेड होते हैं, निकलते हैं। तो फिम्बरी एक छोटा ब्रिसल स्ट्रक्चर होता है, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता। मैंने आपको एक टर्म बताई थी बिली फेरोप्लास्ट, बिली फेरोप्लास्ट से फ्लैजला निकलती है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था बैक्टीरिया में एक पॉइंट होता है जहाँ से फ्लैजला निकलती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, बिली फेरोप्लास्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो आपको पता लग गया बिली फेरोप्लास्ट, अब बात करते हैं जो पॉइंट से फ्लैजला निकलती है, ये फ्लैजला है, ठीक है, ये एक पॉइंट है जहाँ से फ्लैजला निकली, इसको हमने बोला बिली फेरोप्लास्ट। अब इस फ्लैजला का काम क्या होता है भैया, फ्लैजला का काम होता है लोकोमोशन या फिर मोटिलिटी, ये बैक्टीरिया को चलने में मदद करता है, कौन करता है, ये मोटिलिटी कौन करता है भैया, ये फ्लैजला करता है, इससे भी नीट में क्वेश्चन आया था, अभी आपको हम क्वेश्चन करवाएंगे जो आए हुए हैं ताकि आपको समझ में आए। इससे तो ये तो चैप्टर क्लास 12th में भी है, बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद करके रखिएगा। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। पहला क्वेश्चन होता है कि प्लाज्मिड की डेफिनेशन बताओ, ये था कि प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि कैसा होता है, डबल होता है सर्कुलर, एक दो सर्कुलर स्टैंड होते हैं और ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पीएचबी, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट ग्रेन्यूल्स, ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, ये क्या होता है, क्लोरोफॉर्म सोल्यूबल लिपिड लाइक मटेरियल होता है, जिसका काम है रिजर्व करना कार्बन और एनर्जी को। अगर आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने पीएचबी बताया था, जो बैक्टीरिया को क्या करता है, जो फूड जो उनकी होती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है बैक्टीरिया, उसको स्टोर करके रखना और जब उसको ज़रूरत हो तो दे देना, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चंस की बात करेंगे वो मैक्सिमम सेल से आए हुए हैं, और आपको ताकि समझ में आए कि बैक्टीरिया जो है सेल में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, इसलिए मैंने आपको बेसिक ही समझा दिया है ताकि आपको सेल में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो अपनी स्क्रीन पे AIPMT 2015 में आया है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा स्ट्रक्चर जो है नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम पाया जाता है, हाँ मीजोसोम पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर, जी बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है, आई अभी इस पे रुक जाते हैं। राइबोसोम पाया जाता है, जी बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम भी पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियर एनवलप का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पाई जाती है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाती है, ये
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास पाई जाती है। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो हमने आपको बता दिया था कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो स्नोफॉल हो, माउंट एवरेस्ट हो, चाहे वो सॉयल हो, चाहे वो डेजर्ट हो, कुछ भी हो, हर जगह पाए जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इतना बता दिया था। अब हम बात करेंगे बैक्टीरिया की शेप्स। बैक्टीरिया मेनली जो है चार ग्रुप में डिवाइड है, बैक्टीरिया की जो है चार कैटेगरीज है, और वो आपको इसका डायग्राम आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, बैक्टीरिया आर अंडर फोर कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया की शेप के वजह से हमने बैक्टीरिया को चार तरह की कैटेगरी में रखा हुआ है। इनकी शेप के कारण हमने बैक्टीरिया को कितनी तरह की कैटेगरी में रखा गया है, बोलते रहिए, कितनी, चार तरीके की। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो एक राउंड शेप बैक्टीरिया होगा वो कोकाई कहलाएगा, जो बेसिलस शेप बैक्टीरिया होगा वो बेसिलस कहलाएगा या बेसिल कहलाएगा। ठीक है, और जो स्पिरिलम शेप होगा, स्पाइरल शेप होगा, वो स्पिरिडिया बैक्टीरिया कहलाएगा, और जो कोमा शेप होगा वो विवरो कहलाएगा। ठीक है, जिसमें देखो इन्होंने बोला है स्पेरिकल अगर गोल होगा तो वो कोकस कहलाएगा। ठीक है, और प्लूरल में इसको कोकाई बोलेंगे, और रॉड शेप होगा तो वो बैसिलस कहलाएगा। ठीक है, और प्लूरल में इसको हम बैसिली बोलते हैं। ठीक है, और जो कोमा शेप होगा वो विवरम कहलाएगा, या हम इसको बोलते हैं प्लूरल में विवरियो। ठीक है, और जो स्पिरियल शेप होगा, स्पाइरल शेप होगा, वो स्पिरिलियम कहलाएगा, और प्लूरल में क्या बोलते हैं इसको, स्पिरिलिया। तो ये आप स्ट्रक्चर याद करके रखिएगा, इससे जो है नीट में डायग्राम से ही मैक्सिमम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा बताइए ये कौन सा बैक्टीरिया है और ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये पार्ट स्पोर है, ये बैसिलस है, इंडिकेट करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। दाऊ द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। ये देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखिएगा क्योंकि ये इससे क्वेश्चन आ सकता है। द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे जो है नीट में क्वेश्चन आ सकता है, इसको प्लीज मार्क करके चलिएगा कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, लेकिन इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसको आप अंडरलाइन करके चलिएगा। ठीक है, कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल होगा। ठीक है, जैसे आपने अभी देखा ना ये बैसिलस, ये सारे बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आप देख लेंगे, बना लेंगे, लेकिन इनका जो बिहेवियर है, बिहेवियर इन द सेंस एडोप्टेशन, ये कितना जल्दी एडोप्ट कर लेते हैं अपने आप को, मतलब ये हर जगह पाया जाता है, चाहे वो डेजर्ट हो चाहे वो स्नोफॉल हो, इनका जो है हर जगह एडोप्टेबल बिहेवियर होता है, हर जगह ये पाए जाते हैं। ठीक है, यही बोल रहा है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकता वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। बैक्टीरिया जो है ग्रुप में शो करेगा बहुत मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब है कि बैक्टीरिया एक ग्रुप में एकाग्रित होकर बहुत ज़्यादा तेजी से वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म करेगा। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक्स, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से। जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की कंपोजिशन ना हो। ठीक है, वो खाना बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से, वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। जो बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक में, दो तरीके के होते हैं, कौन कौन सा, या तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होगा। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस से अपना खाना खुद बनाएगा, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है केमिकल एनर्जी की प्रेजेंस से बाई केमिकली अपना खाना खुद बनाएगा। ठीक है, ये हो गया, हमने बताया ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में दो तरीके के होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक, लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, दूसरा होता है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ठीक है,
वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप भी अंडरलाइन करिए क्योंकि ये नीट में इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, कीमोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो भैया जो मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है दूसरे पे, हेट्रो का मतलब होता है दूसरे पे, ट्रॉप्स का मतलब होता है निर्भर रहना या खाना दूसरों दूसरे पे डिपेंड करके खाना खाना से, ठीक है, मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, हेटरोट्रॉप्स का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे, और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो खाएंगे अपने एज अ फूड की फॉर्म में, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को अगर वो मर गया है तो वो इसको खाएंगे, ये बैक्टीरिया उसको खाएंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, इतना बोला गया है। अब जो बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप आर्के बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल से एक या दो क्वेश्चन आता है इसमें, आप पहले अंडरलाइन कर लीजिए नीट और एम्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट, आरके बैक्टीरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट इसमें आप मार्क करके चलिएगा, और जो मैं लाइन आपको बोलूँ मार्क करने के लिए वो हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं, और अभी हम इसके बाद टॉपिक के बाद क्वेश्चन लेंगे इसमें, तो चलिए शुरू करते हैं। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल होते हैं, क्यों, क्योंकि दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स, ये जो है बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट, बहुत ज़्यादा कठोर, हार्श का मतलब होता है कठोर परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जहाँ पे कोई और ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है और बहुत रेयरली पाया जाता होगा, ठीक है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, सच एस एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज, बहुत ज़्यादा सॉल्टी नमकीन वाले एरिया में, जहाँ बहुत ज़्यादा नमक वाला पानी हो या नमकीन एरिया हो वहाँ पे पाए जाते हैं। जो सॉल्टी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो हेलोफिल्स होते हैं, हेलोफिल्स का मतलब होता है सॉल्टी एरिया, मतलब सॉल्ट वाली जगह पे, और जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जो गर्म तालाब में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में पाए जाते हैं, वो होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो का मतलब होता है हीट, एसिडो का मतलब होता है एसिड, इनके पास एक लेयर होती है H2SO4 की, जो ये एसिड H2 सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो ये प्रोटेक्ट करता है इनको बैक्टीरिया को हॉट स्प्रिंग में, ठीक है। एंड मार्शी एरियाज, तो ये थर्मो हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफिल्स, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग, थर्मो का मतलब होता है हीट, एसिडोफिल्स का मतलब होता है इनके अंदर एसिड्स पाया जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है आर्के बैक्टीरिया मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, मार्शी एरियाज का मतलब होता है जो जैसे कि मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस इसको बोलते हैं, या गाय के गोबर में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, भैंस के गोबर में पाया जाता है, गोबरों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जहाँ से मीथेन रिलीज होती है, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब जो ये लाइन है इसको आप मार्क करके चलिएगा, हाईलाइट कर लीजिए, जो आप कर सकते हैं इसको करिएगा। अब जो ये वाली लाइन है इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, आरके बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, ये वाली लाइन आप हाईलाइट करके चलिए, आरके बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, अभी इससे आपको मैं 5 से 6 क्वेश्चन दिखाऊंगा, इन हैविंग अ डिफर सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन, बस इसी लाइन से नीट में एम्स में क्वेश्चन बतेरे आते हैं, हर साल इसी लाइन से क्वेश्चन आरके बैक्टीरिया से आता आता है, कि क्या आरके बैक्टीरिया इसलिए अलग है दूसरे बैक्टीरिया से क्योंकि जो इनकी सेल वॉल होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो इनको अलग बनाता है दूसरे बैक्टीरिया से, और इसके सेल वॉल का स्ट्रक्चर इतना मतलब हार्ड होता है, इतना टिपिकल होता है जो और किसी बैक्टीरिया में नहीं होता है, और ये सेल वॉल जो इनको प्रोटेक्ट करती है ऐसी ऐसी जगह पे रहने से इनको कुछ नहीं होता, ये मरते नहीं है क्योंकि इनकी सेल वॉल में जो है क्या, इसकी सेल वॉल में क्या पाया जाता है, इनकी सेल वॉल में लिख लीजिएगा ब्रांच चेन लिपिड, ब्रांच चेन लिपिड का एक प्रोटीन या केमिकल पाया जाता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को, ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बात करते हैं
मिथेनोजेंस की, अब ये बात कर रहा है मिथेनोजेंस की। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल। कह रहा है कि मिथेनोजेंस जो होते हैं, मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो पाए जाते हैं गट में। गट, गट का मतलब क्या होता है? गट का मतलब होता है इनके किस में, इनके काऊ और बफेलोस की पॉटी में पाए जाते हैं, ठीक है, इनके मुंह के अंदर पाए जाते हैं, यही बोल रहा है। मिथेनोजन आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल सच एज काउ एंड बफेलो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेन। कह रहा है कि मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं ये पाया जाता है गाय और भैंस के गोबर के अंदर, और इसी के कारण इनकी ये जो है मिथेन रिलीज करती हैं, इनके गोबर में मिथेन इसीलिए पाया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं मिथेनोजेंस इनके गोबर के अंदर, ठीक है। और मिथेन से क्या बनती है? बायोगैस बनती है, ठीक है, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। यही बोल रहा है कि मिथेन से बायोगैस बनती है, यानी मिथेनोजन बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि भैया गाय के गोबर से हम क्या बनाते हैं? बायोगैस बनाते हैं, मिथेन होती है उसके अंदर, यही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम इससे नीट में क्वेश्चंस क्या आए हैं वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में आया, क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से उठाया, जो आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। पूछा है आर के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, ऑप्शन ए दे रखा है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के कारण, ऑप्शन बी दे रखा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के कारण, ऑप्शन सी दे रखा है सेल शेप के कारण, ऑप्शन डी दे रखा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के कारण। मतलब आर के बैक्टीरिया क्यों अलग है यू बैक्टीरिया से? तो सीधा आपने, मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी एक पॉइंट कि आर के बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के कारण डिफरेंट है। मैंने आपको बताया था क्यों, क्योंकि ब्रांच चेन इनकी जो है लिपिड की सेल स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होती है, जिसके वजह से ये सबसे अलग होता है और किसी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया में ये नहीं पाई जाती है, ठीक है, यही इसका रीज़न है। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, तो ए इसका आंसर करेक्ट होगा। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया भी। क्यों ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं? क्योंकि इनके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो ट्रू कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा आर के बैक्टीरिया में, इसमें हमने पढ़ा था कहीं ये मोटाइल नहीं होते हैं, फ्लैजिला नहीं होती है, इनमें फ्लैजिला पाई जाती है कुछ में, तो इसी के कारण इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, वो एग्जैक्ट होते हैं जो किसी बैक्टीरिया में नहीं होते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा है। देर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया हजारों तरीके के हो सकते हैं, और यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। मार्क कर लीजिए, आ सकता है नीट में। अब देखो दे आर कैरेक्टराइज बाई द प्रेजेंस ऑफ, अब इनको कैरेक्टराइज कर रहे हैं, इनका कैरेक्टर क्या है, इनको ट्रू यू बैक्टीरिया क्यों बोला गया है? क्योंकि इनमें रिजिड सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो है ठोस होती है, ठीक है, मोटाइल होते हैं, अगर इफ मोटाइल ए फ्लैजलम, अगर ये मोटाइल हुए तो इनमें फ्लैजला भी होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था मोटिलिटी से फ्लैजला ही प्ले करती है रोल, आपको मैंने ये बताया था, मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था कि मोटिलिटी जो है वो सिर्फ फ्लैजला के कारण होती है, पिली और फिमरी जो है वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो मोटाइल नहीं होते हैं, तो यहाँ से वो पॉइंट भी कवर करके चलिए, ठीक है। द साइनो बैक्टीरिया, अब बात कर रहा है साइनो बैक्टीरिया, साइनो का मतलब होता है ब्लू, साइनो का मतलब होता है ब्लू कलर। बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा हाईलाइटर से ये लाइन, साइनो बैक्टीरिया इज आल्सो रिफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों? क्योंकि साइनो बैक्टीरिया को हम, पहली बात तो ये, साइनो बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, या हम बीजीए भी बोलते हैं, बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनो बैक्टीरिया को हम बीजीए भी बोल सकते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी, शॉर्ट में बीजीए बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब देखो इनको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है जो कि ग्रीन प्लांट में भी पाया जाता है। देखो हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अभी हमने बात करी थी ऊपर कि
बैक्टीरिया दो तरीके के होते हैं, एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और केमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, क्योंकि ये इनमें क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होने के कारण इनका जो कलर है प्लांट से सिमिलर होता है, और क्लोरोफिल ए होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए आप ब्लू ग्रीन एल्गी का, जो कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये चैप्टर 8 सेल में भी ये पॉइंट है कि भैया ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन सा पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट किससे बना होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में जो क्लोरोफिल ए का पिगमेंट होता है वो किससे बना होता है। तो यही क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है, और ये आपको लिविंग सेल वाले चैप्टर में भी आपसे ये पूछा जाएगा। तो इसका आंसर आप लिख लीजिएगा नीट डाल के, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका जो क्लोरोफिल है वो कौन से पिगमेंट से बना होता है। वो पिगमेंट होता है क्रोमेटोफोर। क्या कौन सा पिगमेंट होता है वो? क्रोमेटोफोर, CHRO, क्रो मैटो, MATO, PHORES, PHORES, क्रोमेटोफोर से एक पिगमेंट होता है जिससे ब्लू ग्रीन एल्गी की क्या बनी होती है, पिगमेंट कंटेन करती है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक पिगमेंट कंटेन करती है, क्रोमेटोफोर्स। अब जो ये इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया वो मैं दिखा देता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो 2013 में पूछा गया है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, इतनी बात समझ में आई? प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फिगर 2.2 आप देखिए, तो फिगर 2.2 ये इससे क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है डायग्राम से। पहला क्वेश्चन तो ये आया था, बताइए कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, उसका काम क्या है। पहला क्वेश्चन ये आया था, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन नीट में आया था, ये दोनों पार्ट लेबल कीजिए, हेट्रोसिस्ट और म्यूसिलेजीनियस शीट। तीसरा क्वेश्चन ये आया था कि ये दोनों पार्ट में कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है नोस्टोक। ठीक है, नोस्टोक, ब्लू ग्रीन एल्गी में नोस्टोक एनेबिना दो आते हैं, जिसमें एक का डायग्राम आपको दे रखा है नोस्टोक का, और इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, हम यहाँ पे थे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स पे, और हमें बोला इस फिगर में देखिए द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसके फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ आप इसको मार्क करके चलिए, हाईलाइट करके चलिए, ताकि आपको बाद में ये मिल जाए। तो हाईलाइट करके चलिएगा आप, द साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कलोनी में भी हो सकते हैं और फिलामेंट में भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं ये, टेरेस्ट्रियल में एल्गी और टेरेस्ट्रियल एल्गी, मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। द कलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाई ए जेलिटेनियस शीट, इनकी जो कलोनी होती है, कलोनी का मतलब होता है इन द सेंस ये मतलब कलोनी में होते हैं, समझ में आ रहा है, कलोनी में होते हैं, और जो इनकी जो कलोनी सराउंडेड होती है, जैसे ये एक कलोनी है, गोल 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 मिलके इन्होंने एक कलोनी बना रखी है, जो सराउंडेड होती है, घिरी होती है जेलिटिनियस सीट, या म्यूसिलेजियस सीट भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसमें जेलिटिनियस शीट बोला है, ये म्यूसिलेजे जो ये म्यूसिलेजीनियस शीट है ये जेलिटिन की बनी होती है। तो इनकी जो कलोनी होती है वो सराउंड होती है किससे, जेलिटिनियस शीट से। ठीक है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये क्या करते हैं भैया, ये जो है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, गंदी जो जगह होती है, तालाब होते हैं, उसमें ये बुलबुले छोड़ने लगते हैं, अपनी मौजूदगी दिखाने लगते हैं ड्यू टू बुलबुले छोड़ के। ठीक है, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। यहाँ से क्वेश्चन नीट में आया था, इस लाइन को अंडरलाइन के लिए कर लीजिए। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है, पहला क्वेश्चन तो ये आया था। स्पेशलाइज सेल कॉल हेट्रोसिस्ट, देखो क्वेश्चन नीट में सबसे पहले आया था, कौन सी सेल से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये फिक्स करते हैं। तो हेट्रोसिस्ट सेल होती है जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ये क्या करते हैं, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये आया था, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कौन ऑर्गेनिज्म लेता है, कौन सा बैक्टीरिया लेता है।
तो इसका एग्जाम्पल भी पूछा गया था नीट में, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। नॉस्टोक और एनाबिना, नॉस्टोक और एनाबिना ये बैक्टीरिया जो हैं ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट, और इससे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको साथ ही साथ कराते चलता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। हेट्रोसिस्ट, इसको हेट्रोसिस्ट क्यों बोलते हैं, हेट्रो का मतलब होता है अलग और सिस्ट का मतलब होता है एक फूला हुआ स्ट्रक्चर, ये अलग होता है और फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसको हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। और क्योंकि ये देखो ये सबसे अलग दिख रहा है पूरी सेल में, तो ये अलग है और फूला हुआ स्ट्रक्चर है हेट्रोसिस्ट। यही क्या करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और म्यूसिलेजिनियस शीट, ये शीट होती है जो जेलेटिन की बनी होती है, ये तो आपने पढ़ा ही था। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। आज से ठीक 2 दिन बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, शाम तक वो वीडियो पब्लिश हो जाएगा, जिसमें उस वीडियो में आपको बैक्टीरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे जो कि नीट में आए हुए हैं, और मैंने ये जो टॉपिक पढ़ा है वो एनसीईआरटी से ही वो सारे क्वेश्चंस हैं। आपको बस करना ये है कि आपको उस वीडियो में जो क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा पढ़ने के बाद, और उस 10 सेकेंड के अंदर आपको मुझे कमेंट करना है इसका आंसर क्या है, और मैं उसके बाद एक बैलेंस शीट बनाऊंगा और आपको रिप्लाई करूंगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और इसमें आपको कोई भी चीट नहीं करना है। चीट इन द सेंस, आपको जैसे आप, मैं क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ, 1 मिनट का क्वेश्चन मैंने लिया, तो मैंने 30 सेकेंड पे बोला कि आपका टाइम स्टार्ट होता है, तो आपको विद इन अ 40 सेकेंड के अंदर, मतलब 30 के बाद जो 10 सेकेंड है, 40 सेकेंड के अंदर आपको उसका आंसर देना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। ठीक है, और उसके भी हाफ पे मैं आपको एक रिजल्ट, एक मार्क्स बताऊंगा जिससे आपका परफॉर्मेंस पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आप एक्साइटेड रहिए उस चीज़ के लिए, और एक बार आप खुद एनसीईआरटी पढ़िएगा ताकि आप परसों का जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से कर पाएँ। और अगर आपने अच्छा किया तो हम ऐसे ही नेक्स्ट सब टॉपिक बनाते रहेंगे, और इस पर भी हम क्वेश्चंस की वीडियो पब्लिश करते रहेंगे जिससे आपकी नीट में हेल्प हो जाए। ठीक है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है केमिकली अपना खाना बनाने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनिया, यूज टू रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जिससे जो बनता है नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया बनता है, इससे ये एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं और एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी रिलीज करते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं, इससे अपने एनर्जी ऑब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं किसमें, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स और अमोनिया में। ठीक है, और इनसे एनर्जी रिलीज होती है जो ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, ये नाइट रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को ये रिसाइकल करते हैं। तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बस यही बात जाननी है कि ये ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन करता है, जिससे ये एनर्जी रिलीज करके अपना भोजन बनाता है, बस बात खत्म। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में कम ही आते हैं, लेकिन इसको ध्यान देखिएगा। अब देखिए हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में, तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। हेट्रो का मतलब होता है अलग, और ट्रॉपिक बैक्टीरिया, इसका कहने का मतलब ये जो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो, जो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस को खाए, उसको हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, हेट्रो का मतलब होता है अलग, दूसरों पे निर्भर होने वाला। ठीक है, अब देखो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि भैया बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन से ग्रुप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। ये पहला क्वेश्चन था नीट में। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया में डिकम्पोजर्स होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। 2 क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रुप पाया जाता है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया पाया जाता है। दूसरा, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं,
वो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, और इनमें से कुछ जो है ह्यूमन की लाइफ के लिए भी इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन के लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि टीबी का बैक्टीरिया होगा, हो गया ट्यूबरक्लोसिस, तो कुछ बैक्टीरिया है जो ह्यूमन की लाइफ पे इम्पैक्ट करता है, हार्म करता है, और कुछ बैक्टीरिया जो यूजफुल भी होता है। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, अभी जो दूध से दही जो बनती है वो एक बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टे। आप इसको क्लास 12th में पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलस के बारे में बैक्टीरिया, इसको हम लैब बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये बैक्टीरिया भैया मिल्क को कर्ड फॉर्मेशन कराता है। आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, ठीक है, और ये आप क्लास 12th में भी पढ़ेंगे। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो दूध से दही बनाने में ये बैक्टीरिया हेल्पफुल होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, ये बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक भी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। एंटीबायोटिक कौन से, स्ट्रेप्टोमाइसिस, यहाँ लिख लीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक होती है, वो प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ये क्वेश्चन आपको, ये वाला पॉइंट आपको 11th चैप्टर में भी मिलेगा। कौन सा बैक्टीरिया है जो लेग्यूम्स मतलब होता है दाल, दाल की उसमें नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो ये दाल की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया जो है वो होता है राइजोबियम। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे राइजोबियम लिख लीजिएगा इससे, क्योंकि आप ये आगे 11th चैप्टर में भी पढ़ेंगे, तो आपको सबसे बेसिक यही है कि आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो लेग्यूम्स दाल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, सिर्फ राइजोबियम, ठीक है। मैंने आपको बताया हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया का मैं एक एग्जांपल आपको बताया, टीबी का बैक्टीरिया जो ह्यूमन को किल कर देता है अगर इसकी ज़्यादा संख्या हो गई तो हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा जो है मैंने बताया यूज़फुल बैक्टीरिया जो इसमें होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया में जो दूध से दही बनती है वो बैक्टीरिया के फॉर्मेशन के कारण होती है, बैक्टीरिया ही बनाता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या हम लैब बैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो दूध से दही बनाता है। कुछ बैक्टीरिया जो स्पेशल फंक्शन के लिए होते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, वो होते हैं राइजोबियम, ये सिर्फ उसके दाल के अंदर पाया जाता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं दाल वाले प्लांट्स उनके अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है, दाल वाले प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम होता है। रूट्स, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में क्या करता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में नाइट्रोजन फिक्स करता है, कौन सा बैक्टीरिया था वो, राइजोबियम, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं सम आर पैथोजन काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। अच्छा यहाँ देखो पैथोजन क्या होते हैं और बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक बात और, पैथोजन जो होता है, पैथोजन PATHOGN, पैथोजन जब एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म डिजीज काउज करेगा तो पैथोजन कहलाएगा। एक ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म जब डिजीज काउज करेगा तो पैथोजन कहलाएगा। एन ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज या डिजीज काउज, जो भी आप लिखना चाहें लिख लीजिए, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म काउज डिजीज, उसको बोलते हैं पैथोजन। अब बात करते हैं बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया जब एक ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो काउज करेगा डिजीज, तो वो बैक्टीरिया कहलाता है। बैक्टीरिया के बारे में भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे आप हाईलाइट कर लीजिएगा कि एक ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करता है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे तक चला जाएगा ये सेंटेंस, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। मैंने बोला बैक्टीरिया ये होते हैं एक ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म काउज डिजीजिंग, डिजीज जो काउज करता है ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो बैक्टीरिया कहलाता है, और एक ऑर्गेनिज्म अगर डिजीज काउज करे वो पैथोजन कहलाता है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको पैथोजन और बैक्टीरिया में समझ में आएगा। सम आर पैथोजन, पैथोजन काउजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, कुछ पैथोजन्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के डैमेज काउज करते हैं, जैसे क्रॉप में, फार्म्स में, और एनिमल्स के अंदर भी ये डैमेज काउज करते हैं, एंड पेट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके की वो आएगा, एक पैथोजन काउजिंग डिजीज और एक बैक्टीरिया काउजिंग डिजीज,
और इससे जो है नीट में क्वेश्चन आया था कि भैया क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस और सिट्रस कैंसर आर वेल नोन डिजीज काउज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज काउज होती है, ये क्वेश्चन नीट में आया था, तो इसको आप प्लीज याद कर लीजिएगा। इसके ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, मैंने इसको ऐसे याद करा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सी टी सी टी क्या, या आप लिख सकते हैं CCTT, जो भी आपको करना है कर लीजिए, CCTT आप लिख लीजिए, वो बेटर है, CCTT, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। C4 सिट्रस कैंसर, C4 क्लोरेला, T4 टाइफाइड काउस करेगा, T4 टेटनस काउस करेगा, CCTT। तो CCTT एक टर्म है जो बैक्टीरिया से डिजीज काउस करती है, जो बैक्टीरिया जो डिजीज काउस करता है उसकी ट्रिक क्या है। बैक्टीरिया डिजीज काउस करता है क्लोरेला, दूसरा कौन सा, सिट्रस कैंसर, तीसरा जो है टाइटनस, चौथा है टाइफाइड, CCTT, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं या आप बना सकते हैं TCTC, जो भी आपको लगे आप बना लो, ठीक है। सिट्रस कैंसर, क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, ये चार तरह की जो डिजीज काउस करता है बैक्टीरिया, इससे क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, हम आगे कराएंगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फ्यूजन, जो बैक्टीरिया, इससे भी क्वेश्चन आया था, ये बताइए कि बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस होता है, मतलब किससे जो है रिप्रोडक्शन करता है। बैक्टीरिया एक से दो होता है बाय फ्यूजन, फ्यूजन मतलब होता है एक से दो होना, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होता है फ्यूजन से, ये लिख लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया है, एक बैक्टीरिया है, ये एक से डबल होगा, वो किसके वजह से, फ्यूजन से, एक बैक्टीरिया ये सिंगल था, ये एक से डबल हुआ बाई बाइनरी फ्यूजन बोल सकते हैं या फ्यूजन बोल सकते हैं। सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, बैक्टीरिया जब कभी इनकी परिस्थिति फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो ये स्पोर से भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई अडोप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ DNA ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। ये बस वही है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ये बन जाते हैं ट्रांसफर। ये आपने अगर पिली वगैरह के बारे में, कंजुकेशन ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा, जो कि थोड़ा हाइयर सेगमेंट आ जाता है, उसकी बात हो रही है, तो ये वही बोल रहा है कि ये जो है एक से दूसरा अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी करते हैं, तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है भाई, कंजुकेशन ट्यूब के थ्रू होता है। पिली अगर आपने पढ़ा होगा कंजुकेशन पिली के बारे में, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसमें यही बोला गया है कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडॉप्ट करके ये क्या DNA ट्रांसफ़र कर लेते हैं बस। माइकोप्लाज्मा, हम बात करने जा रहे हैं माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म, हाँ देखो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा में क्वेश्चन आता है, माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को हम PPLO के नाम से भी जानते हैं। PPLO क्या होता है, PPLO होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पहला क्वेश्चन जो नीट में आया था, माइकोप्लाज्मा इज आल्सो नोन एज PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। और अगर थोड़ा आप एडवांस जाएंगे तो इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं और विचेस ब्रूम भी बोलते हैं, जादूगरनी की झाड़ी, ठीक है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म से समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजन हम कह सकते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म है दैट कम्प्लीटली लेक अ सेल वॉल। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आया था, ये बताओ माइकोप्लाज्मा में क्या होता है एबसेंट। भैया माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एबसेंट होती है, जो कि एक एक्सेप्शन है, क्योंकि बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सिर्फ यही एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी सारे बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तीसरा क्वेश्चन आया था, ये बताओ कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी होती है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लिविंग सेल इसलिए क्योंकि ये जो है लिविंग होती है, जीती है, ठीक है, सेल, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तीसरा क्वेश्चन ये आया था कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी होती है, PPLO। और चौथा क्वेश्चन आया था, ये बताइए माइकोप्लाज्मा किसके थ्रू सर्वाइव कर सकता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन से होता है या एनएरोबिक। तो ये विदाउट ऑक्सीजन के थ्रू भी सर्वाइव कर लेता है, चौथा क्वेश्चन ये था। मैनी माइकोप्लाज्मा इन पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये पूरी लाइन आप इसको याद कर लीजिए या रट लीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, लेकिन आप कर लीजिए, इससे चार से पाँच क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको
नेक्स्ट स्लाइड में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने एक बार दोबारा बता देता हूँ, माइकोप्लाज्मा क्या होता है। माइकोप्लाज्मा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें जिसकी सेल वॉल एब्सेंट होती है, जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर पाता है। और तीसरा जो है ये पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, इसको हम प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, और जो इसका एक और क्वेश्चन है, इसको हम बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं और विचेस ब्रूम भी बोलते हैं। इतना समझ में आया? अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।